हरे कृष्णा। सबसे पहले हमारा 22 तारीख से लेके 26 अगस्त तक, 22 से 26 अगस्त तक झूलन यात्रा होगा। इसमें ठाकुर जी को, राधा कृष्ण को झूला झूलाते हैं, क्योंकि सावन महीने में झूला झूलने का त्योहार आता है। भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला की थी उस टाइम झूला झूले थे, तो वैष्णव लोग इन दिनों 5 दिन मनाते हैं, से एकादशी से लेकर 22 तारीख को एकादशी है और 26 तारीख को रक्षाबंधन है, उस दिन तक झूला ठाकुर जी झूलते हैं और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक झूला पे होते हैं। उसके बाद 3 तारीख को, सितंबर को, विशाल जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि कई सालों से वहां दंगड़ी मठ में जो स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु मठ है उसमें मनाते हैं। रात को प्रोग्राम होता है, रात को संध्या आरती 7 बजे होती है, उसके पश्चात तुलसी आरती होती है, फिर प्रवचन होता है कृष्ण के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं का वर्णन होता है। ठीक 12 बजे ठाकुर जी का महाअभिषेक होता है, उसमें दूध दही घी सहज शक्कर इत्यादि से स्नान कराने के बाद भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, अथवा उनको 56 प्रकार का भोग, 36 व्यंजन भगवान को जन्माष्टमी के दिन लगाया जाता है, और उसके बाद भक्तों को फलाहार प्रसाद दिया जाता है। जन्माष्टमी के बारे में भगवान खुद वेदव्यास जी बोलते हैं कि भगवान के जन्म तिथि के समय, कन्यादान के समय, ग्रहण के समय और एकादशी की तिथि के दिन अन्न नहीं होना चाहिए पेट में, उससे दोष होता है, पाप होता है। और प्राय भक्त लोग एकादशी जन्माष्टमी करते ही हैं और उसको विशेष रूप से करना भी चाहिए। करने से भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान सबके पिताजी हैं और पिताजी चाहते हैं कि मेरे बच्चे लोग मेरे को माने, मेरी आराधना करें। और भगवान का बर्थडे मनाना मतलब भगवान का, किसी का बर्थडे मनाते हम लोग तो केक वगैरह काटते हैं, तो भगवान के लिए इंतजार किया जाता है। कैसे करें? भगवान के कीर्तन द्वारा, भगवान के भजन द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि बिना कथा कीर्तन के भगवान का स्वागत नहीं, भगवान खुश नहीं होते। कि व्रत किया, व्रत करके गपशप मारते रहे वो अच्छी बात नहीं, व्रत के दिन विशेषकर भगवान की आराधना में ही जुटे रहे, क्योंकि व्रत का अर्थ ही होता है उपवास, एक शब्द है व्रत का, दूसरा शब्द है उपवास। उपवास बोलते हैं जो नजदीक वास, नजदीक वास कैसे होगा, गप सबसे तो नजदीक वास नहीं होता है, नजदीक वास का अर्थ होता है भगवान को कीर्तन करके, भगवान की कथा सुन के, भगवान के लिए भजन स्मरण, भगवान की सेवा करके ही उपवास होता है। इसलिए भगवान का व्रत साल में एक बार आता है, उसको विशेष रूप से भगवान की कृपा पाने के लिए, क्योंकि जन्मतिथि में भगवान खुश होते हैं। कोई व्यक्ति का जब जन्मदिन आता है तो उसमें खुश होता है, जब देखना वो खुश होता है और उसके उससे कुछ भी मांगे वो दे देता है। ऐसे भगवान की जन्म तिथि भगवान खुश होते हैं कि मेरी जन्म तिथि है, भक्त लोग मान रहे और जो मांगोगे भगवान से वो देते हैं। इसीलिए भगवान की जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। तो आपके क्षेत्र में दगड़ी मठ में जो राधा कृष्ण का विशाल टेम्पल है, मंदिर है, उसमें मनाई जाती है। आप लोग को सबको मैं हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करता हूँ, आप लोग जरूर भगवान के दर्शन करने आए और उनका प्रसाद प्राप्त करें। हरे कृष्ण।